हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी। वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। दीदी तो देखिए, मुझे तो मतलब आशीर्वाद मिले तो, अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन, जो एक पारिवारिक नाता है, उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।